आजम खान की राजनीति दशकों पुरानी है। वे सियासत के ऐसे सूरमा हैं जिन्होंने लोहिया से लेकर मुलायम तक के साथ काम किया, सपा की स्थापना की, राजनीति के कई धूप छाव देखे। लेकिन इस बार का उपचुनाव उनकी साख के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आजम खान ने पिछले चुनाव में कहा था, टाइगर इज बैक। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या आजम खान उसी आक्रामक अंदाज में इस बार चुनावी रणनीति तय करेंगे और क्या वे खुद चुनाव लड़ेंगे या अपने करीबी को मैदान में उतारेंगे, क्योंकि सपा से चाहे जो भी चुनाव लड़े, जीत और हार की जिम्मेदारी आजम के ही कंधे पर आने वाली है। आजमगढ़ पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां होनी है आजम खान की सियासी हैसियत की परीक्षा। सपा की तरफ से यहां चुनाव कोई भी लड़े, लेकिन जीत हार को आजम खान की राजनीतिक ताकत के चश्मे से ही देखा जाने वाला है। 5 महीने में दूसरी बार आजम खान को देनी है अग्नि परीक्षा। एक बार फिर आजम खान का परिवार जनता के दर पर पहुंचने वाला है। विधानसभा उपचुनाव में आजम खान को अग्नि परीक्षा का सामना है। जिस रामपुर सीट से आजम खान 10 बार विधायक बनकर जीत चुके हैं, उसी सीट पर एक बार समाजवादी पार्टी की साइकिल फर्राटा भरती है या फिर कमल के चक्र व्यू में फंसकर उसकी हवा निकल जाएगी, यही चर्चा आजकल चारों तरफ है। सुना ये जा रहा है कि इस बार वो अपने परिवार में से किसी को भी खड़ा नहीं करना चाहते, और जिस तरह से उन पर कानूनी शिकंजा कसा है और सबको पता चल रहा है कि वो कितने संकट में हैं, तो उनके समर्थक भी उनको छोड़कर जा रहे हैं। जो उनके हमदर्द थे, उनमें से भी कुछ लोग उनकी बुराई करते हुए, उनके अहंकार की बातें करते हुए सुनाई दे रहे हैं। और ख़ासकर उनकी चुनौती तब बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब उपचुनाव रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी हार गई। हालांकि कैंडिडेट तो आसिम रजा थे, लेकिन ये माना जाता था कि कैंडिडेट कोई हो, चुनाव आजम ही लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रतिष्ठा की सीट रही है रामपुर, और इससे सीधा सीधा आजम खान का जुड़ाव रहा है उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा का, क्योंकि वो मुस्लिम फेस भी समाजवादी पार्टी के माने जाते हैं। सियासत, रियासत और विरासत जहाँ एक जगह आकर मिले, उसे ही कहते हैं रामपुर। नफासत, रवायत और शिकायत जहां एक जगह मिले, उसे ही कहते हैं रामपुर। चुनावी बयार जहां सबसे रफ्तार में बहती हो, उसे कहते हैं रामपुर। कभी जहां नवाबों के रसूख का डंका बजा करता था, कभी जहां नवाब परिवार के सदस्य के सिर पर ही चुनावी जीत का सहरा सजा करता था, उसी रामपुर में नवाबों को उनकी सियासी जमीन से बेदखल करने वाले आजम को इस बार भाजपा सीधी चुनौती दे रही है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में भाजपा सेंधमारी में जुट गई है। महात्मा गांधी स्टेडियम रामपुर में जिस ढंग से अल्पसंख्यक समाज के, पसमादा समाज के, पूरे खचाखच स्टेडियम में अल्पसंख्यक समाज ने भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन में हिस्सा लिया है, मैं रामपुर के पूरे प्रदेश के पसमादा समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आइए भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी आपके हक और हुकूक को दिलाने का काम करेगी। देखिए, जिस तरीके से जब आजम खान जी सत्ता में थे, उन्होंने हमेशा सत्ता का दुरुपयोग किया और कभी भी आम जनमानस के विकास के लिए, मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। आज आप देख सकते हैं उसका नतीजा, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो उन्होंने पिछले काम किए हैं, उसका जो आगे आज नतीजा आ रहा है, निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण रहेगा। रामपुर में सियासी बयानबाजी के शोले भड़कने लगे हैं। एक तरफ हर दिन ठंड बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जून में आए लोकसभा उपचुनाव के परिणामों से समाजवादी पार्टी को भारी झटका लगा था, क्योंकि ये सीट बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली थी। और इस बार मामला विधानसभा चुनाव का है और वहां जोरदार टक्कर है। रामपुर यूपी की राजनीति में सपा का मजबूत किला रहा है, लेकिन इस बार भाजपा लाल चक्र व्यू को तोड़ने में लगी हुई है, और उसने पसमांदा मुसलमानों को रिझाने के लिए मुस्लिम पसमांदा सम्मेलन करके आजम खान को सीधी चुनौती दी है।
अब देखना ये होगा कि आज़म खान अपने किले को बचा पाते हैं या फिर भाजपा एक बार उपचुनाव में इस किले को फतेह करने में कामयाब होती है। और मुस्लिम को आगे बढ़ाने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मैं एक शेर सुना जाता हूँ, हंसती है अपनी ऐसी मिट्टी नहीं किसी से, हंसती है अपनी ऐसी मिट्टी नहीं किसी से, और यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सब चीज दिया, गल्ला दिया और मकान दिए, सब चीज दिया, सब कुछ दिया भाई साहब मोदी जी ने, सभी कुछ दिया मुस्लिम समाज को और कोई कमी नहीं है। हाँ, हर बार दिया है गल्ला राशन पानी सारी इज्जत है सब कुछ दिया है। रामपुर जिले की विधानसभा सीटों पर भी नवाब परिवार का दबदबा रहता था, लेकिन नवाब परिवार को पहली बार चुनौती आजम खान की तरफ से मिली और नवाब परिवार का विरोध ही आजम खान का राजनीति में उदय हुआ। पहली बार आजम खान 1980 में इस सीट से विधायक बने और उसके बाद आजम खान 10 बार इस विधानसभा सीट से चुनाव जीते। इसी बात से आजम खान की राजनीतिक जमीन के दबदबे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनके तेवर कुछ पहले के मुकाबले ढीले भी हुए हैं, तो बहुत आसान नहीं है उनके लिए राजनीति करना जिस तेवर के साथ वो पहले किया करते थे। एक तो पहले वो जो कुछ भी बोला करते थे उसे तथाकथित जो धर्मनिरपेक्ष दल है वो बहुत ही गंभीरता से लेते थे, लेकिन इस समय देश में माहौल ऐसा है कि उन बातों का बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। फिर 3 साल की सजा, भले ही वो जमानत पे रहा हूँ, एक बड़ा मुद्दा तो है ही। ये सच है कि लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने आजम खान की राजनीतिक ताकत को ध्वस्त करके रख दिया था। ये सच है कि सपा के कब्जे से रामपुर सीट को छीनकर भाजपा ने करिश्माई जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा उपचुनाव में फर्क है और ये फर्क चुनावी नतीजे पर गहरा असर डालने वाला साबित होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।